चर्चा करेंगे, लेकिन हिमांशु मित्तल भी तस्वीरों में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, पहले उनके पास भी चलते हैं। हिमांशु, निश्चित रूप से धड़कने सिर्फ प्रत्याशियों की ही नहीं, अगर राजनीतिक दलों को देखा तो समूचे राजनीतिक दल की धड़कने तेज हैं कि क्या होगी तस्वीर, क्या बोर्ड बना पाएंगे, कितने कैंडिडेट हमारे जीत के जाएंगे, क्योंकि बाड़ेबंदी देखिए बीजेपी ने शुरू कर दी, लेकिन आज तो रिजल्ट है, क्या तस्वीर उभर रही है फिलहाल? आशीष, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज धड़कनें बढ़ी हुई हैं तमाम प्रत्याशियों की और उनके समर्थकों की, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो खास है, क्योंकि 9 बजने के साथ में अब जो है वो किस्मत का पिटारा वो है वो खुलने लगा है। फिलहाल जो ये सीधी तस्वीरें हैं, तस्वीर है कोटा उत्तर नगर निगम से। आपको बता दें कि कोटा उत्तर नगर निगम के लिए कॉमर्स कॉलेज को जो मतगणना स्थल है वो बनाया गया है, और कोशिश ये है कि सीधा मतगणना स्थल से मतगणना जहां पर होनी है, जिन टेबल्स पर होनी है, उनसे ये सीधी तस्वीरें तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 चरणों में कोटा में जो मतगणना की प्रक्रिया है वो होनी है। कोटा उत्तर में 70 वार्ड हैं, 70 वार्ड के साथ में आपको बता दें कि कुल 225 कैंडिडेट हैं जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम खुलने के साथ में होना है। और इसी के साथ में दूसरी तस्वीर ये है कि कोटा दक्षिण की अगर बात करें तो कोटा दक्षिण में 80 वार्ड हैं जहाँ 289 उम्मीदवार हैं जिनका भाग्य का फैसला ईवीएम खुलने के साथ में होना है। और इसी के साथ में फिलहाल ये बहुत हद तक खास तस्वीरें जो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि मतगणना की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर ठीक 9 बजे के साथ में शुरू हो गई है। बहुत हद तक व्यापक तौर पर इंतज़ाम सिक्योरिटी को लेकर के ये किए गए हैं। अब एक के बाद एक जो ईवीएम मशीनें हैं वो लाई जा रही हैं स्ट्रांग रूम से बाहर। ईवीएम मशीन में लाए जाने के साथ में आपको बता दें कि ईवीएम मशीन को काउंटिंग टेबल पर यहाँ पर रखा जा रहा है। अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, अलग अलग टेबल्स बनाई गई हैं। एक रूम के अंदर आपको बता दें कि करीब जो 19 वार्ड हैं, 19 से 20 वार्ड हैं, उनका जो काउंटिंग है वो यहाँ पर होना है। एक सवाल इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए, फिलहाल ये एक सवाल इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए, क्योंकि देखिए हर बार जब भी काउंटिंग होती है तो कई बार समर्थक या प्रत्याशी या जो उनके पोलिंग एजेंट होते हैं पार्टियों के, वो कहते हैं कि साहब कुछ गड़बड़ी हो गई या काउंटिंग में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक रहें क्या वहाँ पर इसके प्रावधान किए गए, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसा या वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्थाएँ भी हैं? देखिए बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका आशीष, और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये कि इंतज़ाम क्या किए गए हैं। तो मतगणना स्थल के बाहर से ही आपको तस्वीर को समझाने की कोशिश करते हैं कि अमूमन होता ये है कि बड़े पैमाने पर मतगणना स्थल के बाहर कैंडिडेट्स के जो समर्थक हैं वो जुट जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी तस्वीर ना बने क्योंकि कोरोना काल है, भीड़ भी इकट्ठा ना हो, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो 200 मीटर का एक दायरा तय किया गया है, मतगणना स्थल के चारों तरफ पूरी तरह से भारी जो पुलिस का जाब्ता है वो तैनात किया गया है ताकि भीड़ ना जुटे, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है। ये हिदायत पुलिस अधिकारियों की तरफ से अपने जाब्ते को दी गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मतगणना स्थल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एजेंट हैं और एजेंट के साथ में जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एंट्री है, और वो भी बहुत हद तक पूरी एक बड़ी तैयारी के साथ में। बिल्कुल, तैयारियों पर चर्चा करेंगे हिमांशु, तैयारियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो दिख रही हैं पहले वो भी ब्रीफ कर दें अपने दर्शकों को। देखिए ईवीएम दिखाई पड़ रही है और एक एक ईवीएम इसी तरीके से खोली जाएगी, जो उसमें नंबर्स होंगे काउंट्स किए जाएंगे, किस प्रत्याशी को कितने वोट पड़े हैं, किस किस केंद्र पर, वो सब काउंट किया जाएगा। और देखिए ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, ये दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काउंटिंग आज है और काउंटिंग शुरू हो गई है। जोधपुर, जयपुर और कोटा में आज काउंटिंग होनी है। जहां तक बात व्यवस्थाओं की है, लगातार हिमांशु मित्तल, लगातार दीपक गोयल और लगातार हमारे तमाम सहयोगी इस बारे में जानकारी देते रहेंगे। महा कवरेज जी राजस्थान पर शहर की सरकार से जुड़ी हुई दिन भर, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते और स्पष्ट नहीं हो जाती तस्वीर, पूरी तरीके से लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हिमांशु, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद दीपक गोयल आपके पास आएंगे। क्यों हिमांशु, आपको आवाज मिल रही है? शायद हिमांशु से शायद संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे उनसे फिर से।